करूं? मनसा को पहले मजबूत बनाओ, पवित्र बनाओ, तो मनसा सेवा बढ़िया होगी। मनसा जब शरीर मजबूत होगा तो तन की सेवा भी अच्छी होगी, वाचा मजबूत होगी तो वाचा की सेवा मजबूत होगी, मन मजबूत होगा तो मन की सेवा भी अच्छी होगी। मन को एकाग्र बनाना पड़े। क्या होगा? मन एकाग्र होगा तो कोई भी पॉइंट किसी को समझाएंगे तो क्या होगा रिजल्ट, उसकी गहराई में उसको समझा सकेंगे। मन एकाग्र नहीं है, चंचल है, तो चंचल मन जो है वो किसी पॉइंट की गहराई में जा नहीं सकेगा, खुद नहीं जा सकेगा, दूसरों को भी नहीं समझा पाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई की सेवा करो, वाचा सेवा करो, तो बाबा की याद में रह करके सेवा करनी चाहिए। बाबा की याद में रह करके, बाबा के प्यार में रह करके, बाबा के लब में लीन होकर के कोई को समझावेंगे तो उनको तीर लगेगा। क्या? और देह अभिमान में आकर के समझाया सुनेगा, भाग जाएगा। बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम है।